जमाखोरी की वजह से लगातार उबल रहा सरसों का तेल ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। निरंतर चढ़ते भाव से आमजन परेशान है। कृषि विभाग के अधिकारी बता रहे हैं कि उत्पादन करीब दो गुना रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब उत्पादन बड़ा है तो आखिर सरसों जा कहाँ रही ही है। खौलते तेल की आंच में अब आम आदमी दाल में तड़का लगाने से भी परहेज करता नजर आ रहा है। सर्दियों में वैसे भी सरसों के तेल का उपयोग बढ़ जाता है। तेल के दाम में आए उबाल के पीछे कृषि विभाग बिचौलियों और जमाखोरी को कारण बता रहे हैं। इससे पहले तेल का भाव 175 रुपए लीटर था, जो कि अब बढ़कर 180 से 185 रुपए लीटर हो गया है। हालांकि रिफाइंड ऑयल ने राहत दी है। फुटकर बाजार में रिफाइंड 145 रुपए लीटर मिल रहा है। देश में उत्तर प्रदेश तिलहन उत्पादन में दूसरे नंबर पर है। लखनऊ जिले में उत्पादन की बात करें तो 9000 हेक्टेयर में अधिक से तिलहन की खेती होती है। इसमें तोरिया और सरसों दोनों शामिल हैं। वर्ष 2019-20 में 2321 मैट्रिक टन तिलहन का उत्पादन हुआ था, तो वर्ष 2020-21 में बढ़कर 4697 मैट्रिक टन हो गया है। यानी बीते साल की तुलना की जाए तो उत्पादन में दोगुनी वृद्धि दिख रही है। इसके बावजूद तेल का दाम बढ़ रहा है। सीधा मसला जमाखोरी का लगता है। सरकार ने सरसों का 5,500 रुपए समर्थन मूल्य तय कर रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।